बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 में आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम जो है वो इसका करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तमाम क्वेश्चंस के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक साथ जो है वो वीडियो पॉसिबल नहीं होती एक साथ सारे क्वेश्चंस की, तो मैं इसलिए क्वेश्चन वाइज वीडियोज ही आपको सिंप्लीफाई करवाती हुई आई हूँ स्टार्टिंग से ही। तो वही पैटर्न जो है मैं फॉलो कर रही हूँ जो स्टार्टिंग से किया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन वाइज वीडियोस होती है। मगर आप चाहते हैं एक्सरसाइज के कोई और क्वेश्चन से पे जंप करना है एक क्वेश्चन से, तो इजीली आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ तमाम क्वेश्चन के लिंक होंगे जो एक्सरसाइज से मौजूद हैं, ठीक है। तो ईजिली आप वहाँ से जंप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइन्स। अब दो लाइन्स हैं, उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। दोनों लाइन के दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखें भाई, दो लाइन्स हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना मेरे पास, उसी तरह से है कि भाई अब ये कहाँ से पास हो रही है हमें नहीं पता, ठीक है। हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है। हमें इन दोनों के दरमियान का एंगल मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। दोनों के दरमियान का एंगल मालूम करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से था कि हमें एंगल मालूम करना था, हमें दो पॉइंट दिए हुए थे जो ओरिजिन से पास हो रहे थे, उन दोनों लाइंस के दरमियान का हमें एंगल फाइंड आउट करना था। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, इसमें हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। अब स्टार्ट करते हैं, तो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2 टू फाइंड स्लोप्स M1 एंड M2 वी यूज। अब हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास सिर्फ लाइन है, ठीक है। लाइन जब मौजूद हो और आपने स्लोप मालूम करना हो किसी भी लाइन का, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि M1 है स्लोप, ठीक है, तो M1 L1 का स्लोप है, तो L1 के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कोफिशेंट ऑफ वाई, कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई, ये सिंपल। अगर आपके पास एक लाइन मौजूद है, उसको आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो M1 आ जाएगा माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है 4, डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई, कोफिशेंट ऑफ वाई है -3, माइनस से माइनस कट गई, M1 आ गया 4/3। इसी तरह से M2 मालूम करेंगे, माइनस कोफिशेंट एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई। M2 के लिए लाइन 2 के कोफिशेंट्स की ज़रूरत है, तो देखें लाइन 2 में कोफिशेंट ऑफ x है 2 और कोफिशेंट ऑफ y है 5, तो ये आ गया -2/5। M1 भी आ गया, M2 भी आ गया। नाउ 5 एंगल बिटवीन टू लाइन्स
अगर एंगल मालूम करना है दोनों लाइंस के दरमियान तो फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस एम वन एम टू। तो टेन थीटा एज इट इज़ आ गया, एम टू की वैल्यू है माइनस टू अपॉन फाइव माइनस दरमियान की, एम वन की वैल्यू है फोर अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू। एम वन है फोर अपॉन थ्री, एम टू है माइनस टू अपॉन फाइव। सॉल्व करें, टेन थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों के दरमियान एलसीएम आ गया फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस जो है ये हो जाएगा माइनस का टू थ्री ज़ा सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें माइनस फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। देन डिवाइड हो रहा है ये वन प्लस माइनस माइनस, फोर टू ज़ा एट, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन। इसको भी अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया माइनस का ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय फिफ्टीन, डिवाइड की साइन फिफ्टीन, एलसीएम आ गया वन फिफ्टीन ज़ा फिफ्टीन माइनस एट। टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टीन, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदला, फिफ्टीन ऊपर गया, फिफ्टीन माइनस एट किया तो बचा सेवन। अब फिफ्टीन से फिफ्टीन कैंसिल हो गया, ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन। थीटा यही रहा, टेन वहाँ जाके टेन इन्वर्स हो गया, और ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन करें तो ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन ये आ गया है थ्री पॉइंट सेवन वन फोर, माइनस का थ्री पॉइंट सेवन वन फोर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अगर हम इसको मज़ीद फाइंड आउट करें तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स थ्री पॉइंट सेवन वन फोर, तो ये आ रहा है सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन थ्री। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन थ्री डिग्री। अब थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था हमारा आंसर ना, जब भी नेगेटिव आएगा तो देखें आपके पास जो एंगल होगा ना वो ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज की वजह से हम क्या करेंगे इसको, सो अब हमने जस्ट माइनस करना है 180 डिग्री में से। ठीक है, आपकी बुक में इतना डिटेल में आंसर नहीं दिया हुआ, आप चाहें तो इस पर जाकर स्टॉप कर सकते हैं, 74.93 डिग्री। जब हम इसे 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्योंकि जब थीटा नेगेटिव आएगा तो एंगल होगा ऑब्ट्यूस, और जब थीटा पॉजिटिव आएगा तो एंगल होगा एक्यूट। नाउ 180 माइनस 74.93 या गया 105 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। यहाँ पर भी आपके पास आंसर हो सकता है, व्हेन थीटा इज नेगेटिव एंगल इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, ये था आपके पास एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर टू। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।